Hello dear student, welcome to our channel PKP. Dear students, this is the session of mathematics worksheet number 8 class 6 students and date है 29th July. तो dear students, आपकी worksheet भी आ चुकी हैं. As you know, आपकी class भी over हो चुकी है. आप सभी अगर हमारे channel पर first time visit कर रहे हैं तो channel को subscribe कर लें ताकि next video की notification मिल जाए और आप अपनी worksheet को complete कर लें. तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या देखते हैं, एक गेम खेलेंगे. किस पर? एज के लिए. ठीक है, तो एज बेस्ड गेम है ये. जैसे इसमें आपको फोर कॉलम दिखाई दे रहा है, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी एंड कॉलम डी. देर आर फोर कॉलम्स. ठीक है, अब कुछ नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर. अब इन नंबर्स को देख कर मैचिंग करनी है. जैसे एग्जाम्पल है, मोहन्स एज इज कॉलम ए एंड कॉलम डी. जो मोहन की एज है वो नंबर ए और डी में है, बट नॉट इन कॉलम बी एंड सी. लेकिन इन दोनों में वो नंबर नहीं है. सो आपको ऐसा कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है जो इन दोनों में तो है बट बी और सी में नहीं है? तो ऐसा कौन सा नंबर है? नाइन है, है ना? क्योंकि देखो, वन तो इसमें भी नहीं है, थ्री तो यहाँ पर आ गया, फाइव तो यहाँ पर आ गया, सेवन तो यहाँ भी आ गया. लेकिन हमको क्या चाहिए? ऐसा नंबर चाहिए जो केवल ए में हो और डी में हो, वो इन दोनों में ना हो. ठीक है, यानी इन दोनों में हो, ए और डी में, पर बी और सी में ना हो. तो ऐसा नंबर क्या हो गया? नाइन. तो मोहन की एज कितनी है? नाइन ईयर है. सेकेंड, रूही एज इन कॉलम बी ओनली, हेंस रूही इज टू ईयर ओल्ड. तो रूही की एज कितनी है? टू ईयर है, जो कि केवल कॉलम बी में है. तो कॉलम बी में एक ऐसा नंबर है टू जो कि और इन सब में कहीं पर भी नहीं गिवन है. इसका मतलब रूही की एज कितनी होगी? टू ईयर्स होगी. तरनजोत एज इन कॉलम ए बी डी. ठीक है, ए में है, बी में है, डी में है, बट सी में नहीं है. तो ऐसा कौन सा नंबर है जो तरनजोत की आयु हो, एज हो? तो यहाँ पर देखो, हम देख लेते हैं किस में है, ए में, बी में, डी में हो बट सी में ना हो. तो ऐसा कौन सा नंबर है? इलेवन. देखो, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है. तो इलेवन एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों में है लेकिन सी में नहीं है. तो तरनजोत की आयु कितनी हो गई? इलेवन ईयर हो गई. जॉन्स एज इन कॉलम ए बी सी एज वेल एज डी, हेंस जॉन एज इज 15. तो जो जॉन है उसकी एज तीनों के साथ साथ डी में भी है. तो इसका मतलब ये 15 नंबर जो ये चारों में है, तो जॉन की एज कितनी हो गई? 15 ईयर हो गई. नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉलम. रोहित एज इज इन कॉलम ए एंड कॉलम सी बट नॉट इन बी एंड डी. ए एंड सी में है बट बी एंड डी में नहीं है. ए एंड सी में है बट डी एंड बी में नहीं है. तो ऐसा कौन सा नंबर है जो ए और सी में है? तो यहाँ पर देखो, फाइव और फाइव इन दोनों में है लेकिन इन दोनों में फाइव नहीं है. तो रोहित की एज क्या हो जाएगी? फाइव ईयर हो जाएगी. तो राइट आंसर हो जाएगा फाइव ईयर. सेकंड है, सलमान्स एज इन बी कॉलम बी, कॉलम सी एंड कॉलम डी बट नॉट कॉलम ए. जो सलमान हैं उनकी एज ए में नहीं है, बाकी इन सभी में है. तो ऐसा कौन सा नंबर है? ऐसा नंबर है 14, जो बी सी डी में है लेकिन ए में नहीं है. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 ईयर. यानी कि सलमान की एज कितनी है? 14 ईयर है. What type of number do you see in column A? तो column A में हमें कैसा number दिख रहा है? 1, 3, 5, 7, 9. तो ये कैसे number होते हैं? Odd number होते हैं. तो आपका right answer क्या हो जाएगा यहाँ पर dear student? Odd number. ठीक है, तो इस तरीके से हमको third का answer मिल गया odd number, second का answer मिल गया 14 year और first का answer मिल गया 5 year. ये आपके answers हो गए. और fourth है, try to find out age of your young brother, sister and friend using above table. ठीक है, तो इसको आप अपना homework खुद से करेंगे. आप अपने अपने friends के, brother, sister के age को इससे find out कर सकते हैं. ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बट प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.